एसएसएनएसएल में आप लोग का स्वागत है। अभी हम हैं रुनी सतपुर प्रखंड के बैलगर ग्राम में। यहाँ पर दो युवतियाँ कपड़ा धोने के लिए आई थी, लेकिन वो नहाने के लिए एक युवती गई, उसको बचाने में दूसरी युवती गई, दोनों की दोनों नदी में लापता। एसडीआरएफ की टीम 3 घंटा से लगातार अपनी कड़ी मेहनत से खोज रहा है, लेकिन अभी तक दोनों युवतियों का अता पता नहीं है। ये रुनी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के देवना बुजुर्ग पंचायत अंतर्गत जो लखनदेई नदी से लखनदेई नदी प्रवाहित होती है, उसमें लमसम आधा दर्जन बच्ची स्नान करने के लिए आई और कुछ कपड़ा धोने के लिए। कपड़ा धोने के बाद दो बच्ची स्नान करने के लिए तालाब में गए, ये नदी में गई, उसके बाद से वो लापता है। स्थानीय प्रशासन एसडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि दोनों युवती जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के लौटे। दोनों का नाम हो गया, एक का नाम है रेखा कुमारी, पिता उमेश थपाई रुनी सैदपुर, दूसरा का नाम है मधुरी कुमारी, पिता लक्ष्मण करोड़ी, बलीगढ़ की है। ओम भारती, रुनी सैदपुर, जिला परिषद प्रतिनिधि। अरे इसका तेलो कभी रहता है। घाट है, पुल के समीप स्नान का कपड़ा धोने के लिए आई थी। कपड़ा धोने के बाद उन्होंने स्नान करने के लिए गई, जो कि अभी तक वापस वो नहीं लौटी है। तो हम तुरंत तत्काल यहां से जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार खोजबीन, जो उसके दो दो टीम है जो लगातार उसकी खोजबीन की जा रही है, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द ही वह सकुशल वापस लौटे कहीं भी हो। तो यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं, खास करके वही कपड़ा धोने के लिए आते हैं, हाँ, तो यहाँ पर कुछ उचित व्यवस्था होना चाहिए ना? उचित व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ हमारे माननीय पंचायत समिति सदस्य महोदय आपको पक्का घाट का निर्माण करा दिए हैं, अब क्या चाहिए? पक्का घाट का निर्माण हुआ है, लोग आते हैं यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और अन्य सारा जो होता है सो क्या कहते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है, जो धार्मिक कार्यक्रम होता है वो भी इस पे आयोजित की जाती है। कितना देर पहले डूबा है बच्चा? ये लमसम 12-1 के बीच में डूबी है, लेकिन अभी तक बड़ी प्राप्त नहीं हुआ। बड़ी प्राप्त नहीं है, स्थानीय प्रशासन इसकी खोजबीन कर रही है और जो ही पता चलेगा उसके बाद बड़ी, अभी हम लोग बड़ी कैसे कहेंगे, जब तक यदि किसी का जो ये बरामद नहीं हो जाता है कोई तरह का, ये तो उसको हम बड़ी अभी नहीं कहेंगे।